हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब निकली है इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अन्य पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली है। अब आप देख लीजिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं, ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्या सैलरी ये दे रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, ये बेंगलोर और गोवा रीजन के लिए इनकम टैक्स ने रिक्रूटमेंट निकाला है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तभी इसमें आवेदन करिएगा। बिना स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की जो है वो 10 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, टैक्स असिस्टेंट की 32 निकाली है, और MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 29 निकाली है। वेतनमान आप देख लीजिए, 1,42,400 तक है इनका, और मिनिमम वेतनमान इनका जो है 56,900 है, ये MTS स्टाफ के लिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च है, 24 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए इनको, जिन्होंने अपने जिले के लिए खेला है, प्रदेश के लिए खेला है, या कंट्री के लिए खेला है, तो वो रिकॉर्ड ये मांगेंगे। अब प्रेफरेंस देख लीजिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोज कैंडिडेट हु है रिप्रेजेंट द कंट्री, जो कंट्री को रिप्रेजेंट किए हैं किसी भी खेल में, उनको सबसे पहला रेफरेंस दिया जाएगा, सेकंड रेफरेंस दिया जाएगा जो स्टेट लेवल पर खेले हैं, थर्ड रेफरेंस दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हैं। ठीक है, और फोर्थ रेफरेंस दिया जाएगा जो स्टेट स्कूल लेवल पर खेले हैं, और फिफ्थ रेफरेंस दिया जाएगा नेशनल अवार्ड जिन्होंने पाया है फिजिकल इफिशेंसी अंडर नेशनल फिजिकल इफिशेंसी ड्राइव, और सिक्स प्रेफरेंस दिया जाएगा जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जो यूनि टेरिटरी या यूनिवर्सिटी या स्टेट स्कूल लेवल पर खेले हैं। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, डिस्कशन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए जो गेम है, कौन से गेम के और कौन से स्पोर्ट्स पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एथलीट्स कर सकते हैं, बैडमिंटन वाले प्लेयर कर सकते हैं, बास्केटबॉल वाले प्लेयर कर सकते हैं, जो चेस खेलते हैं वो कर सकते हैं, क्रिकेट जिन्होंने खेला है वो कर सकते हैं, फुटबॉल जिन्होंने खेली है वो कर सकते हैं, जिम्नास्टिक वाले कर सकते हैं, और हॉकी वाले कर सकते हैं। इसके अलावा कबड्डी के आप प्लेयर हैं तो कर सकते हैं, स्विमिंग आप करते हैं तो कर सकते हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं तो कर सकते हैं, टेनिस के हैं, वॉलीबॉल के हैं, योगासन में प्लेयर हैं आप तो कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, डिस्कशन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए, नेशनल सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडियन है तो कर सकता है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने 30 साल मांगी है मैक्सिमम एज जनरल के लिए। वही टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए, मल्टी टास्किंग यानी MTS के लिए 18 से 25 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज जो है वो SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को जैसे मिलता है वैसा मिलेगा, जैसा सरकारी विभाग में जो छूट मिलती है SC ST को वो सारी मिलेगी। अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी BA BSc BCom BTech कुछ भी किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है, किसी में भी हो। और वही MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आपको केवल 10th पास होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है, साथ में आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात कर ले, इसके सॉरी एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, तो देख लीजिए इसमें टोटल 250 मार्क्स का एक पेपर होगा। ठीक है, जो रिटर्न पेपर होगा पेपर फर्स्ट, वो 250 मार्क्स का होगा, 2 घंटे की अवधि होगी उसकी। उसमें जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन आएगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आएगा। अगर आपको कोई बुक सिलेक्शन का संशय है कि आप सोच रहे हैं कौन सी बुक आप मंगाएं, तो डिस्कशन में मैंने एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई और लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं सॉल्व, उनकी पूरा एक कलेक्शन नीचे रखा है। आपको केवल लिंक पर जाके क्लिक करना है, आपके सामने बुक वो आ जाएगी। अगर आप मंगाना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो वो मंगा भी सकते हैं। ठीक है, आप सिलेबस भी देख लीजिए, पूरा सिलेबस ये दे रखा है, पूरा डिस्कशन उन्होंने रखा है, मतलब PDF फाइल इसकी दे रखी है, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा सिलेबस है इसका। ठीक है, सैलरी जान गए आप, सिलेक्शन प्रोसेस जान गए, एलिजिबिलिटी भी जान गए। तो एलिजिबिलिटी यही है, केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ये। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो इसमें अप्लाई मत करिएगा। कोई भी चैनल आपको कहे कि स्पोर्ट्स आप सभी लोग अप्लाई करें, तो सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, केवल स्पोर्ट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के लिए आपके आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड या एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। आधार कार्ड ज्यादातर सभी लोगों के पास है हमारे देश में।
ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। सरकारी नौकरी है, बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरी है। अब हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो ये देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपको भेजना है, अभी काफी टाइम है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये देखिए 10th स्टैंडर्ड के आपके पास सर्टिफिकेट लगेगा, 12th स्टैंडर्ड का लगेगा, ग्रेजुएशन का लगेगा, स्पोर्ट पर्सन का, जो आपने खेल खेला है किस लेवल पे खेला है उसका सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो लगेगा, ठीक है। एक्स सर्विस मैन का डिस्चार्ज बुक का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आप एससी एसटी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा है, इसका सिलेबस भी आप जान गए हैं, ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ₹100 इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है, केवल ₹100। और वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, एससी है फ्री ऑफ कास्ट है, और फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो भी आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और कैरियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।